सरकार हमें एक आदेश करेगी, हम शाहीन बाग को जलियांवाला बाग बनाने में पीछे नहीं। सुना आपने, ये है अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे। ये खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि अगर सरकार इनको इजाजत दे दे तो ये शाहीन बाग को जलियांवाला बाग बना देंगे, यानी ना कानून ना संविधान, फैसला ऑन द स्पॉट। दरअसल सीए और एनआरसी को लेकर लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ समाज का वो तबका है जो लगातार सीए विरोध के साथ खड़ा है, तो वहीं एक ऐसा तबका भी है जो सीए का विरोध करने वालों को देशद्रोही साबित करने में लगा है, और उसी में एक संगठन है, अखिल भारत हिंदू महासभा। ऐसे तो हिंदू महासभा के प्रवक्ता हमेशा विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली कि अगर सरकार ने इजाजत दे दी तो सीधे तौर पर कत्लेआम मचा देंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले पुलिस ने वीडियो जारी करके दिखाया था कि बाहर पथराव करके, पुलिस पर पथराव करने के बाद, आतंकवाद फैलाने के बाद ये लोग जाकर के लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं। उस वीडियो में स्पष्ट है कि ये लोग मुंह बांध करके लाइब्रेरी में गए, इनके हाथ में पत्थर थे और वहां जाकर के किताब खोल करके बैठ के ये दिखाना चाहते हैं कि ये उस जगह पर उपस्थित नहीं थे। पुलिस ने जो कार्रवाई की है प्रशंसनीय कार्रवाई है, ऐसे आतंकियों को घुस करके मारना चाहिए, क्योंकि आप किसी को मारने के बाद अगर लाइब्रेरी में बैठते हैं या मस्जिद में छुपते हैं तो आपका अपराध कम नहीं हो जाता है। मैं पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करता हूं और इस तरह के वीडियो की जांच करवाने की मांग करता हूं। सरकार से अनुरोध है इस तरह की घटना के पूरे वीडियो जारी करें ताकि इनके मुंह पर ताला लगे, इनके मुंह पर काली पोतने की आवश्यकता है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या जो लोग आज शाहीन बाग या जामिया के समर्थन में खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं देश में अलगाववाद और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, ये आज आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं और भारत को विभाजित करने में इन लोगों की अहम भूमिका रहेगी। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, ये आतंकवादी है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडे ने जामिया में पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया और कहा कि जामिया और शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाले आतंकी हैं और इनका इलाज हिंदू महासभा ही कर सकता है। ये छात्र नहीं है, सरजील इमाम छात्र नहीं है, फैजुल हसन छात्र नहीं है, यहाँ जो बुरहान वानी गया जो रिसर्च स्कॉलर था ये छात्र नहीं है, ये आतंकवादी है। ये आतंकवादी के रूप में यहाँ पर पल रहे स्लीपर सेल्स हैं जो यहाँ यूनिवर्सिटी में अलगाववाद और आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। इन्होंने इन छात्र संगठन के नाम पर यहाँ सिमी जैसा आतंकी संगठन खड़ा किया, आज इंडियन मुजाहिदीन के नाम से छात्र संगठन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे देश में इन छात्रों ने आतंकवाद पैदा किया है। ये एक कौम के छात्र हैं जो सुनियोजित तरीके से पूरे सरजील इमाम एक नौकरी छोड़ करके वहां रिसर्च करने गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो छात्रों में आतंक फैला सके। जामिया से लेकर के जेएनयू तक जो 56 साल के और 57 साल के छात्र हैं जिनकी उम्र वहां अय्याशी और ऐशो आराम में गुजर रही है, जो आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं, जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, देश को खंड खंड करने की बात कर रहे हैं, भारत के टुकड़े की बात कर रहे हैं, आप इनको छात्र कहते हैं? ये खुले आतंकवादी हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये बॉर्डर पर सेना से लड़ रहे आतंकवादियों से कहीं ज्यादा खतरनाक है, इनको देखते ही गोली मारने की आवश्यकता है। और सरकार से मेरी मांग है कि सरकार शायद संविधान के अनुसार बंधी हो, हिंदू महासभा के कार्यकर्ता बिल्कुल किसी से बंधे नहीं है, हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन उससे पहले हम भारत माता की शान के लिए ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ने का, ऐसे लोगों का कत्ल करने का भी मौका अगर हमें मिलेगा तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। हम भारत माता की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए और अपने राष्ट्रीय धर्म को अपने राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोग काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्रवाद सर्वोपरि है और इस राष्ट्रवाद में हम किसी की जान लेने में, वध करने में पीछे नहीं हटेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का इतिहास रहा है, उन्होंने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया है। लाखों कार्यकर्ता फांसी पर झूला, लाखों कार्यकर्ताओं ने गोली खाई है, लाखों कार्यकर्ताओं का बलिदान हिंदू महासभा में हुआ है। ऐसे कार्यकर्ताओं की बलि को हम शहादत को नमन करते हैं और आज भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता कहीं पीछे नहीं है। सरकार हमें एक आदेश करेगी, हम शाहीन बाग को जलियांवाला बाग बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।